तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं और हम इतने यूज्ड हो जाते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो मोनोटनस हो जाता है तो मैं क्रिएटिव फील्ड की अगर बात करूँ तो फोटोग्राफी करते करते मुझे करीब 12 से 14 साल हो गए हैं दोस्तों और इन 12 से 14 सालों में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मोस्टली प्रोफेशनली बात करूँ तो कैनन के इक्विपमेंट यूज़ करे हैं चाहे मैंने शुरुआत करी डी रेंज से उनकी और उसके बाद आई हैव नाउ मूवड ऑन टू द मिररलेस जो कि एम फिफ्टी है अभी मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़ या जो इनके वन डी सीरीज़ है या आर आर पी हैं जो कि मैं प्रोफेशनल स्टिल फोटोग्राफी के लिए मोस्टली यूज़ करता हूँ बट कहीं ना कहीं होता क्या है दैट यू नो एक टाइम के बाद जो एक मोटिवेशन uh, है वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है वो उस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है बट uh, उस इंस्पिरेशन को जारी रखने के लिए एक नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत होती है और उस नए सिरे से शुरुआत करने का मतलब है मे बी आपको कुछ नई चीज क्रिएट कर सकते हो आप या इन माय केस अ न्यू कैमरा लाइक द फूजी फिल्म एक्स टी थर्टी मार्क टू हैज बीन रियली 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 अमेजिंग अब ये है तो एक छोटा सा ए या क्रॉप सेंसर कैमरा बट है तो कैमरा ही आप पूछोगे कि इसमें क्या ऐसा है जिससे कि आपको लगता है कि आपको इंस्पिरेशन एक नए सिरे से मिली है वेल well, सबसे पहले तो द वे इट लुक्स इज समथिंग विच आई रियली लाइक एंड रियली वैल्यू दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको ये बटनज़ और ये नॉब्स नौ, दिख रहे हैं ये डायल्स दिख रहे हैं दिस इज़ वेरी ओल्ड स्कूल अगर आपने कभी फ़िल्म कैमराज वगैरह देखे होंगे या आप में से कोई ऐसा है जो फ़िल्म कैमरा यूज़ किया है आप में से किसी ने तो ये नॉब्स और डायल्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये आपको पता होगा क्या काम करते हैं इससे आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन चेंज कर सकते हैं आई वगैरह चेंज कर सकते हैं शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं और मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं ये आपका शटर बटन है तो हर एक चीज के लिए आपके पास एक डायल है अनलाइक मॉडर्न डिफरेंट कैमराज जिसमें आपको बटन्स वगैरह मिलते हैं तो डायल्स की वजह से मुझे लगता है यूज़ करने का जो फन है एक कैमरा का वो नए सिरे से मैंने खोज के निकाला है अब इमेज क्वालिटी में इतना डीपली मैं नहीं जाने वाला हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट रियली अ फुल रिव्यू ऑफ द कैमरा ऐसे कैमरास के ना आप रिव्यूज़ नहीं करते हो ऐसे कैमरास को आप यूज़ करते हो टू फाइंड योर क्रिएटिविटी To get inspiration from a tool which is just a tool. It is a tool to create good pictures. It is a tool to create good amazing art. But generally speaking, I am not shifting to Fujifilm. It is just something which I am using for a little while now or एक डिस्कवरी की बात होती है ना नए सिरे से आपने अपने आर्ट को डिस्कवर किया है थैंक्स टू द फूजी फिल्म एक्सट्री थर्टी एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ हो रही है कहीं ना कहीं मोनाटोनस आप हो जाते हो एक चीज़ को करते करते उसी चीज़ को आप नए सिरे से डेवलप कर सकते हो विथ अ न्यू इक्विपमेंट एंड इन माई केस तो फूजी फिल्म एक्स टी थर्टी टू हैज़ बीन फैनोमिनल बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे इसको यूज़ करने में और अगर आप मार्केट में हो नया मिररलेस ढूंढ रहे हो बट यू वॉन्ट टू गेट समथिंग डिफरेंट अदर देन कैनन निकॉन एंड सोनी तो आप फूजी फिल्म की तरह देख सकते हो फूजी फिल्म की तरफ देख सकते हो एंड दिस मॉडल इज प्रि ओके प्राइस वाइज बॉडी कुछ सेवेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास का है और ये लेंस जो है ये विल्ट्रॉक्स एक कंपनी है उसका ट्वेंटी थ्री मिली मीटर एफ़ वन पॉइंट फोर लेंस है ये कुछ बीस बाईस हज़ार रुपए का लेंस है तो अगर आपका बजट है करीब नब्बे हज़ार से एक लाख रुपए के अंदर तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली नाइस और इससे आप प्रोफेशनली भी काम कर सकते हो और अफकोर्स आप अपने हॉबी के लिए भी यूज़ कर सकते हो मैं जनरली इसको एज अ हॉबी टूल यूज़ कर रहा हूँ मैंने प्रोफेशनल शूट इससे फिलहाल तो नहीं किया है बट फॉर एग्जाम्पल वीकेंड्स पे अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं या जनरली मैं शाम को कहीं मेरे पास वक्त है मैं फोटोज लेना चाहता हूं तब मैं इस कैमरा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डायल्स एंड नॉब्स आई गेट अ फील ऑफ अ वंडरफुल कैमरा दैट आई एम यूजिंग अगर इन डायल्स एंड नॉब्स का आप साउंड भी सुनोगे ना तो भी आपको लगेगा कि क्वालिटी जो है इस कैमरा की बहुत अच्छी है जेन्यूनली इसकी क्वालिटी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी अच्छी है एंड लुक एट द कैमरा दिस लुक्स लाइक अ फ़िल्म कैमरा बिकॉज ऑफ द वे इट इज़ डिज़ाइन बिकॉज ऑफ़ द वे फूजी फिल्म हैज़ डिज़ाइन देयर एक्स सीरीज ऑफ कैमरा जब नया सिस्टम है मेरे लिए तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग कर्व भी जुड़ा होता है एक नए सिस्टम के साथ बट ओवरऑल इमेज क्वालिटी हैज़ बिन रियली नाइस आई एम एंजॉइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सम पिक्चर्स विद द फूजी फिल्म एक्स टी थर्टी प्रोफेशनली ऑफकोर्स मैं अभी तक कैनन यूज़ करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट रियली यूज टू द फ्यूजी फिल्म सिस्टम कि मैं प्रोफेशनली ट्राई करूँ और क्लाइंट के सामने जाके आपको फिडल नहीं करना होता है कैमरा कि मुझे सेटिंग्स नहीं पता है या मैं एक सेकेंड मेन्यू में जाके चेक कर लेता हूँ वो सब आप क्लाइंट के सामने नहीं करें तो ही बेहतर है तो उसी वजह से मैं इस इस कैमरा को फिलहाल जो है आई एम यूजिंग इट एज अ हॉबी इक्विपमेंट और अपने कैनन इक्विपमेंट को कोर्स आई एम बिन यूजिंग एज अ प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा तो ये कोई रिव्यू uh, तो नहीं है इट इज़ जस्ट समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज बताइएगा अगर आपको इसका एक रिव्यू चाहिए uh, तो मैं ज़रूर वो बना के दूंगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कैपेबल कैमरा वेन इट कम्स टू स्टिल इमेजेस एंड ऑल्सो वीडियो में भी ये 4K 30 थर्टी एंड टू तक जो है स्लोमो वगैरह सब कर लेता है बेहतरीन बेहतरीन कैमरा है बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है आपको यूज करने में इफ़ यू गो टूवर्ड्स द फ्यू फिल्म रूट छोटा भी है कॉम्पैक्ट भी है एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना ये जो ये जो एनालॉग डायल्स हैं इसका मजा ऐप अमेजिंग है तो ये है फूजी फिल्म का एक्स टी थर्टी मार्क टू इससे भी महंगे फूजी फिल्म के कैमराज आते हैं बट दिस इज समथिंग विच यू कैन स्टार्ट विथ इफ यू आर लुकिंग टू गेट इन टू अ मिरररलेस सेगमेंट और आपको जैसे मैंने कहा कैन निकॉन या सोनी या पैनासोनिक फॉर एग्जाम्पल उस रूट नहीं जाना है यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ फूजी फिल्म सिस्टम बट आप श्योर नहीं है तो टेक इट फ्रॉम मी इट इज़ गोइंग टू मेक यू रियल रियली हैप्पी द फ्यू जी फिल्म एक्स टी थर्टी टू आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली हो अगर आप भी थोड़े से इंस्पिरेशन या मोटिवेशन वाइज थोड़े से लो हो तो आई थिंक यू शुड जस्ट गो अड एंड डिस्कवर न्यू क्रिएटिविटी जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी की मैं बात करता हूँ आपको एक नए सिरे से शुरुआत करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है कई लोगों को वो नया सिरा किसी दूसरे एक सब्जेक्ट से या किसी डिफरेंट तरीके से आर्ट से मिल जाता है मुझे जो है अपनी मोटिवेशन अपनी जो प्रेरणा है वो मुझे इस फूजी फिल्म एक्सटी थर्टी से भली भांति मिल रही है तो ख़त्म करूँगा आज का ये वीडियो और बताइएगा कि आपको आगे क्या देखना है अगर रिव्यू चाहिए होगा इसका तो ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए और ऑफ कोर्स एक आई फोन का एक पिक्सल सिक्स से कैमरा कंपैरिजन बहुत ही जल्द आने वाला है तो दैट वीडियो इज़ गोइंग टू तो बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल चाहूंगा इजाज़त और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों नमस्कार